तो आपकी हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंगली जो आपको रेमेडीज करनी चाहिए उसमें आती हैं येलो सफायर और रेड कोरल जेम्स, और दो मुखी रुद्राक्ष, और बुद्ध शांति पाठ और यज्ञ। इसका मीनिंग ये होता है कि येलो सफायर और रेड कोरल पहनने से आप जुपिटर और मार्स की जो एनर्जी है, इनका जो प्रभाव है, वो आप अपने जीवन में इंक्रीज करेंगे। जिनके हम जेम्स पहनते हैं उन प्लैनेट्स का रिजल्ट हमारे जीवन में बढ़ जाता है। रिजल्ट बढ़ जाता है तो उन्होंने उस प्लैनेट ने हमारे जीवन में जो भी रोल प्ले करना होता है उसके फ्रूट्स हमारे जीवन में बढ़ जाते हैं। अगर वो पॉजिटिव रोल प्ले करना होता है उस प्लैनेट ने हमारे जीवन में तो उसके बेनिफिशियल रिजल्ट्स हमारे जीवन में बढ़ जाते हैं। अगर उस प्लैनेट ने कोई हार्मफुल रोल प्ले करना होता है हमारे जीवन में तो उसके हार्मफुल रिजल्ट्स हमारे जीवन में बढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं होता है कि कोई जेम पहनने से हमें उस प्लैनेट की जो नेगेटिव एनर्जी है वो पॉजिटिव एनर्जी में बदल जाती है, जैसा कि कई पंडित जी मार्केट में आजकल बता रहे हैं। और कई पंडित जी मार्केट में आजकल आपको उनके जेम्स भी बना देते हैं जिनकी दशा चल रही है, बिना जाने कि वो प्लैनेट, दशा तो चल रही है उस प्लैनेट की, यानी कि वो प्लैनेट का मेन टाइम चल रहा है आपके जीवन में, लेकिन वो प्लस प्लैनेट है, पॉजिटिव प्लैनेट है या नेगेटिव प्लैनेट है, बिना इसको एनालिसिस करे कई लोग आपको जेम्स बना देते हैं। क्योंकि कई लोगों को प्रॉपर इस चीज़ का नॉलेज नहीं है कि जेम्स हमारे जीवन में करते क्या हैं। जेम्स उसी प्लैनेट की सेम वाइब्रेशंस हैं, सेम एनर्जी हैं, जो अदरवाइज हम प्लैनेट्स की अपने सबकॉन्शियस चक्रास के थ्रू हम एब्जॉर्ब करते हैं, और उन प्लैनेट्स से हमारे जीवन में जो रोल आने वाला होता है हम आर्टिफिशियली उसी एनर्जी को हम रत्नों के जरिए अपने बॉडी में एनहेंस करते हैं। तो जैसे हमारी बॉडी एक इंस्ट्रूमेंट है समझ लीजिए, उस इंस्ट्रूमेंट में जो एनर्जी डाली जाएगी उसके अकॉर्डिंगली हमारी इंस्ट्रूमेंट काम करेगी, रिएक्ट करेगी। अगर उस एनर्जी ने पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाना है हमारी बॉडी को तो वो एनर्जी पॉजिटिव डायरेक्शन में ज़्यादा जाएगी अगर उसको हम जेम पहनेंगे, और अगर उस एनर्जी ने हमारे बॉडी को, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को, हमारी इंटरनल एनर्जीज को अगर नेगेटिव डायरेक्शन में लेके जाना है तो हम जब उसका रतन धारण करेंगे तो वो हमारे हमारे को नेगेटिव डायरेक्शन में लेके जाएगी। तो कृपया ध्यान से आप जेम्स थेरेपी करिए अपने जीवन में, अच्छी जगह से आप रुद्राक्षास और यज्ञ और पाठ रेमेडी करें अपने जीवन में। आज की डेट में बहुत कम लोग इस ज्ञान को, इन रेमेडीज को बहुत ऑथेंटिक तरीके से समझते हैं, और बहुत ऑथेंटिक तरीके से आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। इस साइंस को समझे बिना इन रेमेडीज को ना करें, नहीं तो आपको इसका बेनिफिट मिलने के बजाय आपको इनका लॉस, आपको नुकसान भी मिल सकता है आपके जीवन में। तो येलो सफायर पहने क्योंकि जुपिटर आपके लिए फ्रेंडली प्लैनेट है, रेड कोरल पहने क्योंकि मार्स आपके लिए फ्रेंडली प्लैनेट है, दो मुखी रुद्राक्ष पहने क्योंकि चंद्र आपके लिए हार्मफुल प्लैनेट है, रुद्राक्ष आपको प्रोटेक्ट करेगा, बुध शांति जाप और यज्ञ कराएं किसी ऑथेंटिक जगह से क्योंकि बुध आपके लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव प्लैनेट है, एनिमी प्लैनेट है। बुध की एनर्जीज को आपने जितना जल्दी और जितना ज़्यादा हो सके आपको शांत करना है आपके जीवन में, तो बुध शांति पाठ यज्ञ कराएं। ग्रीन कलर की चीज़ों से आप दूर रहें, ग्रीन कलर को जितना अपने जीवन में आप कम कर सके कम करें। बुध के वैदिक मंत्रों का आप कर सके तो पाठ करें, जाप करें। आप चाहें तो चार मुखी रुद्राक्ष भी पहन सकते हैं, वो भी हमें बुध से प्रोटेक्शन देता है, लेकिन रुद्राक्ष थोड़ी माइल्ड रेमेडीज होती हैं, और बुध शांति पाठ और यज्ञ जब किया जाता है वो बहुत पावरफुल रेमेडी होती है। तो जेम्स और यज्ञ बहुत पावरफुल रेमेडी है, रुद्राक्ष एक माइल्ड रेमेडी है। अकॉर्डिंगली हम आपको ये रेमेडीज रिकमेंड करते हैं, जैसा जैसा हमको आपकी हॉरोस्कोप के अंदर उस प्लैनेट्स की जितनी ज़्यादा एक्सट्रीमिज्म नज़र आती है उसके हिसाब से हम आपको रेमेडीज रिकमेंड करते हैं। तो कृपया आप ये तीन रेमेडीज करें। इन रेमेडीज से रिलेटेड अगर आपको हमारे से कोई भी हेल्प चाहिए हो, कोई भी गाइडेंस चाहिए हो, आप हमें कॉल कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट और यूट्यूब चैनल को स्टडी कर सकते हैं, देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस।